हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शेयर खान ऐप जो है उसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, यानी कि उसमें शेयर बाय और सेल कैसे करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, यहां पे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, और उस वीडियो की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो और अपना अकाउंट बना सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद जो है आपको प्ले स्टोर में के ये जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, और आपको जो है आईडी और पासवर्ड अकाउंट बनाने के बाद वो आपको आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको लेना है और इस ऐप में यहाँ पे डाल के जो है लॉगिन कर लेना है। फिर आपको इस तरह का पेज यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइज, उसके बाद आपको इस तरह का जो स्क्रीन दिखता है, तो यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। पोर्टफोलियो का ऑप्शन में वो आपके जो कुछ आपने खरीद के रखा है, होल्डिंग है, वो वहाँ पे होता है। मैंने कुछ भी यहाँ पे खरीद के नहीं रखा है, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब जो है हम यहाँ पे कैसे खरीदना है वो जानते हैं। तो नीचे जो मोर का ऑप्शन है दोस्तों, उस पर हमें क्लिक करना है। नीचे मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ट्रांसफर फंड्स का एक ऑप्शन दिखेगा, तो ट्रांसफर फंड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें फंड ऐड करना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। तो ऐड पॉइंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। उसके बाद गाइज, आपको ये नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे जो आपको ट्रेडिंग पासवर्ड आपका डालना है, और वो डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है दोस्तों, उस पर क्लिक कर लेना है। तो हमने इसको डाल दिया यहाँ पे, और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ जाता है। अब आपको यहाँ पे जो है आपको कितना अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है वो डालना है। नीचे जो है यहाँ पे एंटर यूपीआई आईडी जो है आपको आपको वहाँ पे यूपीआई आईडी एंटर कर देना है आपका, और ये होने के बाद जो है नीचे ट्रांसफ़र फंड्स का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो हम कर देते हैं इसको। मैं यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये का भी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये डेमो वीडियो यहाँ पर दिखा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे नीचे बाय यूपीआई जो है वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट कर लेना है। बाय यूपीआई का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे यूपीआई आईडी डालना है आपका, और ट्रांसफ़र फंड्स का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो यूपीआई आईडी है वो डाल देती हूँ, और ट्रांसफ़र फंड्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। ये होने के बाद गाइज, फिर जो है आपको एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, जो आपने यहाँ पे यूपीआई दिया है, जैसे कि मैंने फ़ोन पे दिया है तो वो भेजा गया है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, और फिर प्रोसीड टू पे का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो है पे 50 रुपीज़, तो उस पर क्लिक करना है। ये होने के बाद जो है आपको आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा शेयर खान में, और फिर जो है आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर पाओगे। तो इसको बैक ले लेते हैं एक बार, और फिर जो है आपको ये वाला स्क्रीन वहाँ पे मिल जाता है। तो अब जो है आपको यहाँ पे ट्रेड और कोट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ट्रेड और कोट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन आ जाता है। अब ऊपर आपको वहाँ पे टाइप करना है, जो भी कंपनी का शेयर आपको खरीदना है उस कंपनी का नाम वहाँ पर डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आइडिया डाल दिया। फिर आपको यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन आ जाता है, तो हमें यहाँ पर बाय करना है, तो बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह का यहाँ पर स्क्रीन आ जाता है। अब आपको यहाँ पर बहुत कुछ दिख रहा है, आपको ऊपर जो है वहाँ पे प्राइस दिख रहा है एनएससी और बीएससी। तो एनएससी का जो प्राइस दिख रहा है वहाँ पे 9.6 ऐसा 60 और मतलब 9.665 ऐसे वो हो रहा है, और नीचे जो है यहाँ पे क्वांटिटी है दोस्तों, तो वहाँ पे अभी 0 है। तो वहाँ पे जितना क्वांटिटी हम खरीदना चाहते हो उतनी क्वांटिटी वहाँ पर एंटर कर देनी। जैसे कि मैंने ज़्यादा पैसे तो ऐड किए नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 क्वांटिटी खरीद लेती हूँ, तो वो वहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे प्लेस ऑर्डर का जो ऑप्शन है दोस्तों, उस पर क्लिक करना है, और फिर जो है आपको यहाँ पे नीचे कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऑर्डर बुक का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमने इसको सक्सेसफुली यहाँ पे खरीद लिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा है वो रिपोर्ट्स में। अब जो है दोस्तों हमें फिर से रिपोर्ट पे ही क्लिक करना है, क्योंकि हम इसको सेल करने वाले अभी के अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करना है हमें, रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पे नेट पोजिशन और टर्न ओवर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे जो शेयर है उस पर ही क्लिक करना है। आइडिया यहाँ पे ऊपर जो प्राइस वहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है ना, वही पे आपको क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ बीएससी और स्क्वायर ऑफ एनएससी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। किसी भी एक पे क्लिक कर दो यहाँ पे, तो उस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है बीएससी में, प्राइस चल रहा है 9.67666,
तो वो जो है नीचे आपको प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कंफर्म का ऑप्शन जो है उस पे क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस ये जो है यहाँ पे ऑर्डर बुक का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये सेल हो जाएगा। तो इतने आसानी से जो है आप इसको मतलब जो कुछ शेयर होते हैं इसमें उसको बाय और शेयर कर सकते हो। इसका जो पूरा ये है रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में दिख जाता है दोस्तों। इसका जो कुछ पैसा होगा वो आपको एक दो दिन में मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, मोर का जो ऑप्शन है नीचे उस पर क्लिक करना है और ट्रांसफर फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे आपको विड्रॉ का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से निकाल लेना।